औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसान दही चिकन की रेसिपी। तो चलें, सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो चिकन। तो सबसे पहले इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 कप दही। इसमें अब हम शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, और इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे चिकन, इसको इसमें अच्छे से कोट कर देंगे। ये हमारा अच्छे से कोट हो चुका है। अब हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे हम कढ़ाही में डालेंगे 1/4 कप तेल। अब इसमें शामिल कर देंगे साबत गरम मसाला। यहाँ पे मैंने लिए है 3 से 4 अदद साबत काली मिर्चें, 2 से 3 लौंग, 1 सब्ज़ इलायची और दालचीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े। इसको हम तेल में शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था, उसका हमने पेस्ट बना लिया था। अब इसमें शामिल कर देंगे मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये चिकन, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच आपने दरमियानी रखनी है। अब इसमें जाएगा आधा ग्लास पानी। इसको अच्छे से मिक्स करके अब हमने इसे लो से मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देना है ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हमने आंच को थोड़ा सा तेज़ करना है और इसकी भुनाई कर लेनी है। इसका पानी हमने खुश कर लेना है। बस थोड़ी सी ग्रेवी इसकी हमने रखनी है। इसको अब हम अच्छे से भून लेते हैं। इसमें हम साथ ही 4 अदद हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। मैं साबुत हरी मिर्चें ले रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये हरी मिर्चों का जायका हो जाएगा और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगी। देखें, इसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये हमारी मज़ेदार दही चिकन तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।